श्रद्धार अभिभावक और छात्र छात्री आम स्कूले पातीबलगिया अनलाइन एग्जाम आहिबलगिया अनलाइन एग्जाम आपनलोगे केने धरणे अवतीर्ण हबो तार बाबे भिडिओटो प्रस्तुत करा हुईछे। एग्जाम खिनी गुगुल क्लासरूमर माध्यमेरे हबो, गतिके प्रथमे आपनलोगे आपनलोगे मोबाइल गुगुल क्लासरूम प्ले स्टोर पर इन्स्टल करि लबो आरु जार अलरेडी इन्स्टल्ड आछे तेउनके एबार आपडेट करि लबो। प्ले स्टोरत गई गुगुल क्लासरूम टाइप करिबो, करा पासत आपनलोगे इन्स्टल बटनत क्लिक करिबो। इन्स्टल हो जा पासत तलत ओपेन आहिसे, ओपेन बटनत क्लिक करिबो, तार पासत गेट स्टार्टेड। आर आपनक निजो निजो ईमेल आईडी खिनि यात दिबो लागिबो, आपनक ईमेल आईडी क्लिक करिबो, तार पासत ओके बटनत क्लिक करिबो। एने धरणे पेज टू एपियर हबो ईमेल आईडी दियार पासत, जेहेतु मय यार देखिसे आपनलोगे किसुमान एग्जाम अटेंड करा आसे, डेमो एग्जाम, ए कारणे यात आहिसे आपनलोगे किसुमान होयतो नाहिबो। तलत आपनलोगे देखिसे एटा प्लस सिम्बल आसे, प्लस सिम्बलत क्लिक करिबो। क्लिक करा पासत दुटा अप्शन आसे, क्रिएट क्लास, जॉइन क्लास, आपनलोगे जॉइन क्लासत क्लिक करिबो। क्लिक करा पासत एने धरणे एपियर हबो स्क्रीन टू, जोन क्लास कोडर बक्स आसे सही बक्सत आपनलोगे स्कूलों पर एसएमएसर जुगेदी पठवा क्लास कोड तो इतना भराब लगे। क्लास कोड तो आपनलोगे एग्जाम एदिन आगते पाई जाबो एसएमएसर जुगेदी, इतना क्लास कोड तो भराब। मैं एटा डेमो क्लास कोड भराइछो आपनलोगक देखाबोले एग्जाम केनेके एपियर करिबो। तार पासत क्लास कोड तो भरा पासत ऊपर थका जॉइन बटनत क्लिक करिबो। क्लिक करा पासत एग्जाम तो खुली जाबो, खुला पासत आपनलोगे देखिसे न्यू असाइनमेंट डेमो ऑनलाइन एग्जाम, डेमो ऑनलाइन एग्जाम क्लिक करिबो। क्लिक करा पासत अटैचमेंट तो आपनलोगे दुटा अटैचमेंट देखिसे, क्लास नर्सरी केजी 1 2 आरो 3 कारणे ओनली सब्जेक्टिव 25 मार्क्सर एग्जाम हबो, ओतिके नर्सरी केजी 1 2 3 लेके यात एटा अटैचमेंटे देखाबो, आरो क्लास 4 टू 10 अर स्टूडेंटर बाबे यात दुटा अटैचमेंट देखाबो। पार्ट ए हम एम सी किू 20 मार्क्स और पार्ट बी हम सब्जेक्टिव एग्जाम, आपनलोगे लिख लगे और सबमिट कर 30 मार्क्स। सो 4 पर 10 स्टूडेंटे पार्ट जो आप देखी से गूगल फॉर्म आसे पार्ट ए इत क्लिक कर एम सी किू एग्जाम ऑटो करेक्शन, आपनलोगे तार रिजल्ट पाई जा देखी से एम सी किू एने धरणे गूगल फॉर्म खुल इतना निजर नाम तो भराब। आपनलोगे पारे गोटे कलम खि कैपिटल लेटर दी इार आगते एक कथा कब विचार आपनलोगे प्रथम बार जो गूगल फॉर्म क्लिक करे तेनहले आको साइन इन एटा पेज आहिबो पारे, जदि साइन इन पेज तो आहे आपनलोगे आको ईमेल आईडी आरो ईमेल आईडी टुर पासवर्ड दि पले साइन इन करि लबो। क्लास आपनलोगे कैपिटल लेटरत भराबो, जो एग्जांपल दिया आसे देखिसे आपनर एग्जांपलत 7 दिया आसे, कोनबा जदि क्लास 1 होय तेन क्लास 4 होय तेनहले 4, जदि 10 होय 10, एने धरने आपनलोगे भराबो। सेक्शन दिबो एग्जाम्पल ए बी सी डी, आपनलोगे जोंटो सेक्शन हे सेक्शन टू दिबो, रोल नंबर दिबो यात 1 2 G आसे आपनलोगे रोल नंबर, जी होकले ऑलरेडी फीस पेमेंट करिसे तेनलोगर पेरेंट पोर्टलत एडमिट कार्ड अवेलेबल होय गयसे, ओतिके पेरेंट पोर्टल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि लबो। डाउनलोड करिबार कारणे आपनलोगे parent.neverskip.com सर्च करिबो, एडमिट कार्ड तात पाइ जाबो। तार पासत एने धरणे एम सी किू क्वेश्चन खिनि थाकिबो, आपनलोगे अप्शन खिनि सिलेक्ट करिबो। सपोज तो डेमो एटा क्वेश्चन क्रिएट करा होइसे, हाउ मेनी डेज डू वी हैव इन ए वीक, सपोज राइट आन्सर 7,
हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो सपोज 7 क्लिक करिले दिस ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी जो रेड स्टार मार्क देखिसे आपनलके हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टार मार्क जोंखिनी रेड स्टार मार्क आसे हेखिनी फील्ड मैंडेटरी फिलअप करिबो लागबे एटु फिलअप न कइले सबमिट न हो तार पछत आपनलके सबमिट बटनत क्लिक करिबो सबमिट बटनत क्लिक करा लगे लगे आपुनी देखिसे योर रिस्पोंस हैज बीन रेकॉर्डेड यात आपुनी व्यू स्कोर साबो पारे ऊपर देखिसे टोटल पॉइंट्स 2 out of 2 दुटा क्वेश्चन आसले 2 मार्कर 2 मार्क्स पाइसे एने धरने आपनलके एमसीक्यू टू दिबो एमसीक्यू टू ऑटोमेटिक आपनलके रिजल्ट पाइ जाबो नेक्स्ट पार्ट बी आइबो सब्जेक्टिव आपनलके देखिसे पीडीएफर क्वेश्चन पेपर एटा डेमो क्वेश्चन पेपर दिया आसे यात क्वेश्चन पेपर टू खुलिबो क्लिक करी जूम इन जूम आउट करिबो पारिबो क्वेश्चन टू आपनलके क्वेश्चन खिनि देखि ए4 साइज पेपरत आपनलके एग्जाम दिबो दियार पछत जेते लिखा आपनलके शेष होइ जाबो तार पछत आपनलके जाबो लागिबो योर वर्क एटा एरो आसे हे एरो टू स्लाइड अप करिबो देखा पाइसे या एना धरने आहिबो तार पछत एड वर्क ए एड वर्कत जुवार पछत आपनलके एने धरने करिबो लागिबो प्रथमते आपनलके स्कैनरत जाबो स्कैनरत गई आपनलके फॉर एग्जांपल प्रथम एन्सार शीटर प्रथम पेज खनर फोटो लैसे गूगल क्लासरूमे नतुन आपडेटत एटा ভাল ফিচাৰ্স দিছে আগত আমি সুকিয়াকে বেলেগকে পিডিএফ ফাইল বনাই তাৰপিছত এটাচ কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া ইয়াৰ পৰাই ডাইৰেক্ট গুগল ক্লাছৰুমৰ পৰা আপোনালোকে মাল্টিপল পেজ একেলগে এটাচ কৰি পিডিএফ বনাই পঠাব পাৰিব ফটোটো তোলাৰ পাছত যদি ফটোটো ঠিকে আছে প্লাছ চিম্বলত ৰাইট চিম্বলত ক্লিক কৰিব দেন তলত দেখিছে লেফট হেণ্ড ছাইডৰ তলত প্লাছ চিম্বল আছে প্লাছ চিম্বলত যাব যদি মাল্টিপল পেজ হয় সাপোজ পেজ নম্বৰ 2 আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ৰাইট চিম্বলত এইটো পেজ নম্বৰ 2 আকৌ প্লাছত যাব যদি সাপোজ 3খন 4খন পেজ হয় এনেধৰণে আপোনালোকে ফটো তুলি ল'ব তোলাৰ পাছত তলত ছেভ বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব ছেভ বাটন ক্লিক কৰিলে এটাই পিডিএফ ফাইল 3টা পেজৰ এটা পিডিএফ ফাইল আমি স্কুলে ৰিসিভ কৰি ল'ম মই দেখাম আপোনালোকক কেনে ধৰণে পিডিএফ ফাইলটো আহিব ওপৰত দেখিছে এটাচমেণ্ট এটা ফাইল আহিছে ইয়াত 3টা পেজ আছে আগত আমি বেলেগকে ক্রিয়েট কৰিব লাগিছিল পিডিএফ এতিয়া নালাগে গুগল ক্লাছৰুমে ফিচাৰ্স এভেলেবল কৰি দিছে এটাচ হোৱাৰ পাছত তলতে হেণ্ড ইন বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নোটিফিকেশ্যন এটা পাব এটাচমেণ্ট উইল বি সাবমিটেড ডেমো অনলাইন এক্সাম হেণ্ড ইন তলত দেখিছে ৱৰ্ক সাবমিটেড তাৰ মানে আপোনালোকে যোনটো এটাচমেণ্ট পঠাইছে আমি ৰিসিভ কৰিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে গুগল ক্লাছৰুমৰ মাধ্যমেৰে অনলাইন এক্সামখিনি দিব পাৰিব ধন্যবাদ